वेलिंदु, तू सुतलू नहीं अभी तक? नींद नहीं किया दीदी, वो जेल में नीचे जमीन पर सुता तो ये ना। इंदु, तू जितना सोचबू ना उतने परेशान हो। अरे आज नहीं तो कल प्रभाकर छूट ही जाए। और तू ई कहने को सोचत कि प्रभाकर की वजह से ही सब सच्चाई सामने आयल बा। लेकिन दीदी, अगर हुनकरा के पूजा के गर्भवती महिला के नाटक के बारे में बता देती तो शायद ऐसा नौबत नहीं आत। वो पूजा के सास के ऊपर चप्पल नहीं उठाते। तू खुद के दोष मत दा। तू का जाना तो रहलू कि ये सब हो जाए। हाँ, तू तो पूजा की भलाई खातिर ही सब कहले रहलू ना। फिर ज्यादा मत सोचा। आज रात बा तो कल दिन भी निकली। हर दुख के बाद सुख जरूर आवेला। चल सुत जा। बहुत टेंशन में बानी, रात भर सूत नहीं पौली। ये सोच सोच के कि काई गो माई अपन बदला लेवे खातिर खुद के बेटा के इस्तेमाल कर सकेले, अपन बेटा के जिंदगी खराब कर सकेले। ई तू नहीं बोलत हो, ई जौन तारा के सिखौले बिया तू उहे बोलत तारा। का बताल जिंदगी के का बिगड़ गलता है? तू एकरा के धक्का मार के बाहर निकाला, हम एकरा से भी निमल लड़की से तार ब्याह करा दे, फिर अपन गिरस जीवन खूब मजे से बिताई है। माही तू का कहत अड़ू, हम तोरा के भगवान माने ली, पूजा करे ली तुहार, तू जैसन कहलू वो सब कैली। का यह दिन देखे खातिर कि तू ऐसा नीच बात करा? तू तो गुरुजी के बहुत बड़ाई करत रहलू, बहुत संस्कारी चरित्रवान बतावत रहलू, अब का हो गई? तू बेकार में अपन समय बर्बाद करत रह। तू अगर हमार साथ नहीं खा दे सकत तो मुंबई वापस चल जा, हम खुद सब देख ले। नहीं, जब ले मामला सलट नहीं खेजा हम मुंबई नहीं जाए। तोहरा के जवाब देवे के पड़ी कि तू अपन बेटा के संगे ऐसन काहे कैलू। तोहरा के इहो जवाब देवे के पड़ी कि तू अपन बेटा के औलाद के ही मिटावे खातिर
कैसे तैयार हो गई लू? कैसन माई बाड़ू तू? झूठ ही सही, पर जब तारा पता चलल कि पूजा माई बने वाली बिया, तो मिठाई बांटे के जगह खुशी मनावे के जगह तू अगर जान से मारे की कोशिश करे लग लू। बेटा पर जरा भी तरस नहीं आई। लोग तक कहलन कि माई अपन बेटा खातिर जान तक दे देवेली, और तू अपन पोता पोती के ही जान लेवे पे उतारू हो गई लू। बदला लेवे के आग तोहरा अंदर इतना भड़क चुकल बा कि तोहरा यूं लेके दिखाई दे कि तार आपन बेटा के घर भी झुलस रहल बा। बस बहुत हो गई सब। बेटा 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 कौन बेटा? कैसा बेटा? तू नहीं बड़ा हमार बेटा। माई, ये तेरे चिल्लाए से कुछ ना होगी। तू हमरा के आपन बेटा नेकू मानत मत माना, पर तारा बदला लेवे के जुनून खत्म करे के होई। हम इस सब और नहीं होके दे। तू शायद हमार बात के मजाक समझाता रह, पर सच बा, तू हमार बेटा नहीं मारा, बेटा नहीं मारा। सोचती थी जब तू हमार आपन औलाद रही था। तू हमार औलाद नहीं बड़ा, तू केहू और के औलाद बड़ा, और के औलाद बड़ा, और के औलाद बड़ा, और के औलाद बड़ा। अब दोबारा कबू हमरा ऊपर अपन बेटा होके के हक मत जताई है। हम तारा के पलनी पोसनी एक खातिर तू एजा रह सकेला, पर अपन आँख कान मुंह बंद करके। माई, माई तू ये सब का कह तड़ू? कह दे ये सब झूठ है, बकवास है। तू गुस्सा में आके सब भूल गई है। माई, हम तुहार बेटा है, हम तुहार बेटा है। माई हम तो हाथ पैर पकड़ ताली भाई, कदा तू जोन भी कर लूँगा सब गलत बा। हम तो हार बेटा है भाई, भाई एक बार कदा हम तो हार बेटा है भाई, कदा तू जोन भी कर लूँगा सब गलत बा। हम तो हार बेटा है भाई, भाई एक बार कदा भाई एक बार बोल दो भाई कि हम तैयार बेटा है। रोला से सच्चाई नहीं बदल जाए। तू हमार औलाद नहीं बड़ा, नहीं बड़ा, नहीं बड़ा। तो की बानी हम केकर बेटा बानी? कच्चे ताली भी तहार बिटिया नहीं के वो हमार बिटिया बिया, फिर हम तैयार बेटा काहे नहीं की? काहे नहीं की माई? चैताली तो हमार बहन बिया ना। बोला ना माई बिया ना।
चताली तहार बहन भी आए कहे से कि तू दोनों के बाप एक हा माई नहीं माई नहीं माई नहीं तू केकर औलाद बड़ा तहार माई के बिया ये हमरा से नहीं जाके अपन बाप से पूछा या कहा था मेजे लिया दी हमरा भूख नहीं के दीदी इंदु शरीर के भूखा मारे से कहा हो जाई हाँ तू तो इतना हिम्मती रलू कि कौनो भी दिक्कत आईला पर सबसे आगे कमर कस के खड़ा हो जात रलू अब तू ही ये तरह से करबू तो कैसे काम चली ई कोर्ट गई बाड़ना तू देख लिया प्रभाकर के जमाना जरूर हो जाए अगर वो आ जाए तो सबसे पहले हम बाबा गोरखनाथ के दर्शन करे जाए फिर कुछ खाए पिए दीदी पर भाई साहब के आवे में इतना देरी कहे लगता इंदु कोर्ट कचहरी के मामला बा देर सबेर तो हो ही जाला ना हाँ लगता भाई साहब आ गए हम देखते हैं इंदु तू बैठा हम देखा थे क्या हुआ प्रभाकर की जमानत हो गई बोलते क्यों नहीं दीदी भाई साहब उनकरा के नहीं छुड़ा पौल निशा आज पुलिस ने प्रभाकर को कोर्ट में पेश ही नहीं किया अब बिना कोर्ट में पेश हुए वकील कैसे जमानत कराता पर आज तो पेशी होने वाली थी ना होने वाली थी लेकिन हुई नहीं मुझे तो लगता है कि पूजा की सास ने पुलिस वालों को काफी पैसा खिलाकर प्रभाकर को जानबूझकर कोर्ट में पेश नहीं होने दिया ताकि वो कुछ दिन और हवालात में रहे मगर ये कैसे हो सकता है ये तो धांधली है अब है तो है क्या कर सकते हैं पैसे के आगे सब झुकते हैं सही और गलत में कोई फर्क नहीं दिखाई देता उन्हें गजबे बात है आजकल सच्चाई का जमाना ही नहीं है हम वो पैसा दे उनको छुड़ावे खाते हम गांव जाके अपन सब गहना जेवर ले आवत है आप वो सब बेच के सारा पैसा पुलिस वाले के दे दी और उनको छुड़ा के ले आए बिना सोचे समझे बात मत कहिल करा गांव जेबू तो माई बाबूजी को का जवाब देबू बता देबू कि प्रभाकर हवालात में बा वो पूजा के साथ में चप्पल उठौलस यही से वो झूठा इल्जाम लगा के ओकरा के हवालात में डलवा देली कह दे वो सब देखा हिंदू
इतना घबराइला से या उत्तेजित भिला से मामला और बिगड़ जाए। बाबूजी और माई के ऐजा का भइल हा कुछ पता नहीं चले के चाहे। एक बार ऐजा सब कुछ ठीक हो जाए फिर धीरे धीरे हमनी उनकरा के सब कुछ बता देब, लेकिन लेकिन अभी नहीं। आप देख ले, हम पूजा के सास के छोड़ब नहीं। एक बार ही छूट जाए फिर ओकरा घरे जाके ओकरा छट्टी के दूध याद दिलाए। उका समझा दिया केहू के रुला के वो खुश ना पाए कबो नहीं। अरे गोरखनाथ बाबा ओकरा कबो खुश नहीं रखिए। शांत हो जाए इंदु। अब क्या सोचा है आपने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ से एक साथ मुसीबत आ गई। कहावत है ना कि जब वक्त बुरा होता है तो हर चीज गलत होने लगती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दूसरी नौकरी ढूंढनी, इस घर को छोड़ना है, प्रभाकर को हवाला से छुड़ाना है, पूजा को उसकी सास से बचाना है। माय गॉड, कैसे हो गए सब? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिम्मत मत हारिए, ये परीक्षा की घड़ी है और हमें मुकाबला करना ही होगा। घबराने से समस्या और बड़ी लगने लगेगी। दामाजी हमारी बात सुनकर गए हैं। हो सकता है वो अपनी माँ को समझाने में सफल हो जाए। सारी बात जानने के बाद पूजा और दामाजी के बीच की दूरी खत्म हो जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। निशा तुम जाकर खाना लगाओ और इंदु तू चिंता ना करा। प्रभाकर के छुड़ावे खातिर हम को बड़ वकील से बात करब। तू हमार बेटू ना ही मारा, बेटू ना ही मारा, बेटू ना ही मारा, बेटू ना ही मारा, बेटू ना ही मारा। तू क्यों और क्यों औलाद पड़ा, और क्यों औलाद पड़ा, और क्यों औलाद पड़ा, कहे से कि तू दोनों के बाप एक है। माई नहीं, माई नहीं, माई नहीं, माई नहीं, माई नहीं, माई नहीं, माई नहीं। चौबीस साल से जौन माई हमरा के पाल पोस के बड़ कैलस, हमरा के इलायक बनौलस, जिकरा आंचल के छाव में हम अपन हर दुख भूल जात रहली, आज वे कहतिया कि हम ओकर बेटा नहीं बानी। हम केहू और के औलाद बानी, के बानी हम, का पहचान बा हमार? कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गई, सब कुछ। आज जिंदगी हमरा के ऐसन मोड़ पे लाके खड़ा कर देला कि आगे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता, सिर्फ अंधेरा। क्यों नहीं बा हमार, क्यों नहीं?
ऐसा मत कहिए। हर रात के बाद दिन जरूर आवेला। इतना हताश मत होगी, हम ही ना आपके साथ। नहीं, नहीं। हर रिश्ता से हमारा विश्वास उठ गई बा। जब 24 साल से हम जिकरा के माही कहत रहली, वो हमरा के ठुकरा देलस, तो तू कैसे हमार सगा हो सकेलू? तू तो अभी आई हो हमार जिंदगी में। तोहरा संगे कितना गलत व्यवहार कैली, तू हमरा से बदला नहीं लेबू। तू कहदा कि हम तोहर पति नहीं बानी, नहीं बानी। कैसन बात करा थे, हम आपके धर्म पत्नी हैं, आपके हर सुख दुख के भागीदार। पूरा दुनिया आपके साथ छोड़ सकेला, पर हम नहीं। आप केकर बेटा हैं, इसे हमरा कोनो फर्क नहीं पड़ेला। ना हम आपके साथ छोड़े रहनी और ना मरते दम तक छोड़ब। हम टूट चुकल बानी पूजा, टूट चुकल बानी। हिम्मत रखी, जब सच के पता चलिए गईल बा तो अगर सामना भी करे के पड़ी, आगे के परिस्थिति से लड़े के पड़ी। हमरा देखी, इतना सब सह के काम टूट गई थी, बिखर गई थी। नहीं, हम हर परिस्थिति के मुकाबला कर ली, आपके भी करे के पड़ी। का आपके ये कब्बो नहीं लागल कि आप माजी के आपन बेटा नहीं है? नहीं, बचपन से लेके आज तक हमार ज्यादा समय हॉस्टल में बीतल, और फिर माई हमार परवरिश ए ढंग से कैली कि हम उनकर हर बात आंख मूंद के मानत रहली। तब का हम तारा खाती लड़की देखल शुरू कर दी? माई, ये आपके का हो गई बा? आप शायद पहला बार हमरा से कोनो चीज खातिर परमिशन मांगत है। अरे हम तो सोचले रहली कि आप सब कुछ तय करके हमरा से कहब कि बेटा फलना तारीख के फलना जगह तहार ब्याह तय हो गई बा, और फलना लड़की के तू ई घर के बहू बनावत आ। सुनले बानी कि उनकर बेटी पूजा बहुत सुंदर और गुणवान भी है, हम ओकरे के अपन बहू बनावे के सोचत हैं। लेकिन बेटा, पूजा तारा पसंद आई तबे हम ब्याह की बात आगे बढ़ाई। माई, जब आपके पूजा पसंद भी है तो हमरा के ऊजा काहे भेजत नहीं? आप उनकरा से मिल के बातचीत कर ली। कहाँ मैडम गईला? नहीं, उहे जात रहली माई। माई, हम तो अभी भी कहत नहीं कि हमार लड़की देखल कोनो जरूरी नहीं है। अगर आपके पसंद बा ना, हाँ तो ठीक बा, रुवा जॉन करे उ ठीक बा। हम चाहत नहीं कि तार बिया ये मुहूर्त पे होके। ठीक बा माई, हम छुट्टी के एप्लीकेशन डाल देता नहीं। उ जैसन कहले हम उहे करत गईली। हमर विश्वास रहे कि माई जॉन भी करी, हमर भलाई खातिर करी। बहुत गलत सोचत रहली, धोखा खा गईली।
हम सपना में भी नहीं सोच सकत रहली कि माई हमार इस्तेमाल करे खातिर हमरा के ऐसन बनौले रहली। लेकिन अब हमरा पता लगाए के बा कि हम केकर बेटा हैं, हमार पहचान का बा। पर कैसे, आपके कुछ पता भी नहीं है। पता लगाई, कैसे भी पता लगाई, ये हमरा ला जिए मरे के सवाल बा। बिना हम अपन पहचान पता कैले हम चैन से नहीं बैठ सकेले। माँ जी कहत रहली कि ये सब का जवाब ससुर जी के पास बा। कब के मालूम बा कहाँ हुई है नू इस समय? नहीं, पर हम मालूम करके ही रहा। और अगर हमार बाप दोषी भइल ना पूजा तो हम उनकरा के माफ नहीं करब। बचपन से आज ले हमार बाप एक बार भी हमार सूद नहीं लेलस, एको फोन तक नहीं कैलस, एको टॉफी के टुकड़ा तक नहीं देलस हमरा के। हमरा के तो इहो नहीं पता कि वो दिखेला कैसन। अब तो हमरा अपना बाप से मिले के ही पड़ी। बहुत सवाल बा हमरे पास। आप पहले से ही कोनो गलत धारणा मत बनाई, पता ना का सच बा का ना। आप पहले ये सोची कि उनका पता कैसे लगाई। ढूंढे निकलब तो कोनो ना कोनो रास्ता मिल ही जाए। पूजा, हम माँ जी के बेटा नहीं बानी, केहू और के औलाद बनी, ये बात अभी केहू के पता ना चले के चाहे। जब हमार माई बाप मिल जाए हैं तो हम खुद सबके असलियत बता दे। अपन भाई भौजाई के भी मत बताई। नहीं बताई, लेकिन एगो प्रार्थना बा, आप कैसे भी करके प्रभाकर भैया के जेल से छुड़ावे की कोशिश करी। सुधाकर भैया के ज्यादा जान पहचान नहीं खे, वो बहुत परेशान हवन। उनकरा नौकरी भी ढूंढे के बा, घर भी बदले के बा, आप कुछ करी। हमार पहचान के एगो बड़ वकील बाड़न, हम उनकरा से मिल के देखत हैं कि का हो सकेला। तू हौसला रख, प्रभाकर छूट जाए। हम वकील से मिलके सुधाकर भाई साहब से भी मिलाएं, जौन भी हमरा से हो सके हम करब। जी शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। निशा, मैं जरा विजय शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, उनका फ़ोन आया था, शायद कोई नौकरी की बात की उन्होंने। ये वही शर्मा जी है ना जो आपके साथ पुरानी कंपनी में काम किया करते थे? वही है। अच्छा, वहाँ से मैं बख्शीपुर भी जाऊँगा वकील साहब से मिलने के लिए। ओके, ठीक है। हिंदू कहाँ है? इंदु अंदर सो रही है। एक मिनट, मैं देखता हूँ।
अरे आप आई आई बैठे। भाई साहब हमरा सब सच्चाई पता चल चुकल बा। हम सोच भी नहीं सकत रहली कि हमार माई बदला लेवे खातिर ई सब करती है। हम अपन माई की गलती खातिर आप लोग से माफी मांगता नहीं। माई के बहकावे में आके हम पूजा के साथ जो जाति कैले वो खातिर भी हम शर्मिंदा बने। हम आप लोग के भरोसा दिलावता नहीं आज के बाद पूजा के कोनो तकलीफ नहीं होगी। ओकरा के हम हमेशा खुश रखब। हमार विश्वास करी। दामाद जी ये तो अच्छा भेल कि समय रहते आपके सब सच पता चल गए। अब आप अपन माई के समझाएं कि ये सब पुरान बात भुला दें। अगर वो अपन भाई खोले हैं तो हमने भी तो अपन बुआ के खोले हैं। वही घटना के बाद से जिंदा लाश बल चुकल बाणी। सजा हमने के मिल चुकल बा और फिर ये दुश्मनी बढ़ा के कहूं कि कुछ हासिल ना हुई। हम कोशिश करब कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब ये बताएं प्रभाकर के का भइल? आप कचहरी गेल रहली? हाँ गेल रहने पर प्रभाकर के कोर्ट में पेशी नहीं भइल। काहे? आपके माई पैसा जोन खिला देले बड़ी पुलिस वालन के। पुलिस उहे करती है जोन आपके माई चाहत बड़ी। उनकर कार्ड हम उनकरा से मिल के आए बानी। अदालत में प्रभाकर के जल्द ही पेशी करा दी। का कहलन प्रभाकर छूट तो जाए ना? कहत रहलन कि एक से दो पेशी में छोड़ा लिया। आप उनकरा से मिल के केस के बारे में सब बता दे। और हाँ उनकरा से फीस के बात मत करो। हम बात कर ले बानी। ठीक बा हम सांझ के हुनकरा से मिले थे। इंदु इंदु भौजी कहाँ बड़ी? अंदर सूतल बिया बहुत परेशान बिया बेचारी। सब हमरा माई की वजह से हो रहा बा। आप इंदु भौजी के कहते कि हो सके तो हमरा के माफ कर दिया। अब आप बार बार माफी मांग के हमनी के शर्मिंदा मत करी। अच्छा अब हम चलत हैं। हमरा तुरंत ही मुंबई निकले के बा। बिना छुट्टी ले ले भागल चलाइल रहली। फिर छुट्टी लेके तुरंत आवे के कोशिश कर। एक मिनट हमू चलत हैं। हाँ पांडे जी प्रणाम। कहाँ वहां? अली नगर में। अच्छा 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 किराया कितना बा? नहीं ठीक ही रही। अच्छा ठीक है हम आके देख ले। जी प्रणाम। निशा अली नगर में एक मकान मिल रहा है। थोड़ा छोटा है लेकिन किराया भी ठीक ही ठाक है। तो मैं सोच रहा था कि आते वक्त देखता हुआ आऊँगा। बस इतना देख लीजिएगा आसपास सफाई हो, साफ सफाई रहे, गंदगी ना रहे, बस। ठीक है भाई साहब। आप मकान देखे के विचार छोड़ दी। काहे?
कहे कि आप लोग के मकान छोड़ने के कोनो जरूरत नहीं है। आप लोग जब तक चाहें ये घर में रह सकेली। पर आपके माई हमने के अल्टीमेटम दे ले हैं मकान छोड़े खातिर, और अब तो हम उनकर कंपनी के एम्प्लॉय भी नहीं हैं, तो फिर कैसे? ये घर हमार नाम पर बा, माई के नाम पर नहीं। जब ले सब समस्या के समाधान लिखे हो जात, आप लोग एजे रहे, ये हमार प्रार्थना। अगर आप लोग हमार बात नहीं मान ले तो हम सोचें कि आप लोग हमरा के माफ नहीं कर ले। ठीक बा, लेकिन आपके किराया लेवे के पड़ी वो समय समय पर। जैसा आप लोग के मर्जी, अब इजाजत दी। चलिए चलो, अब घर की चिंता तो खत्म हुई। वो कैसे दीदी? ये घर दामाद जी के नाम पर बा, और वो कह के गइल बाड़न कि हमनी के घर खाली करला के कोनो जरूरत नहीं के। और उनकरा छुड़ावे खातिर कुछ कहला ना का? हाँ, क्या हुआ? वकील साहब से मुलाकात हुई थी? हाँ, मुलाकात हुई थी उनसे। बहुत ही अच्छे वकील है वो। उन्होंने कोर्ट के जरिए पुलिस को नोटिस देने की बात कही, और कह रहे थे कि जैसे ही कोर्ट में पेशी होगी वो प्रभाकर को छुड़ा लेंगे। बस जमानत के लिए हमें कुछ पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कह रही थी ना, भगवान अगर संकट में डालता है तो निकालता भी है। प्रभाकर की जमानत के लिए पैसों की व्यवस्था कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी। हाँ, और अब पूजा की तरफ से भी चिंता खत्म हो गई। दामाद जी के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है, कौन सही है कौन गलत है उन्हें सब पता चल चुका है। हाँ, पूजा अब खुश रहेगी, उसकी गृहस्थी अब सवर जाएगी। वो तो ठीक है निशा, पर अभी हमें आरती की गृहस्थी भी बचानी होगी। पूजा की सास ने जीजा जी को भी अपने जंगल में फंसा रखा है। पता नहीं कौन सा लालच दे रखा है कि वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए। अब आरती को बचाने के साथ साथ हमें जीजा जी को भी उनके चंगुल से बाहर निकालना पड़ेगा। वो तो ठीक है, पर उन्हें मनाए कैसे? वो तो हमारी सुनेंगे भी नहीं। सच में बात करे ले दीदी, सुनिए काहे नहीं। हमने छोड़ दामाद जी के सब बतौली तो मामला ठीक भल की नहीं। बस वही सही जीजा जी और उनके परिवार के उस चुड़ैल के सब सच्चाई बता देवे के चाहिए। आप लोग देख ले, ये सब जान के वो लोग भी पूजा के सास की दुआरी पे थूके तक नहीं जाइए। इंदु ठीक कह रही है, जीजा जी कोई स्टेप उठाए उसके पहले ही हमें पूजा की सास की हकीकत उन्हें बता देनी चाहिए। मैं कल ही गाजीपुर आरती के गांव जाता हूं। चलो दिलदार चलो, भट्टी के पास चलो, हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार। अरे सुधाकर बेटा, खुश रहा? कैसन हुआ घर पे सब केहू कैसन बा? जी सब लोग ठीक हवन। बेटा हम जरा बाहर जाते हैं, जरूरी काम बा। तू अंदर बैठा, हम अब ही काम निपटा के तुरंत आवत। जी ठीक बा।
का साला ईजा लोग सुधरी है ना, पहले छोटका आके धमका के गई, अभी आई बा अभी ना जाने का समझाई। प्रणाम जीजा जी। अरे प्रणाम भाई प्रणाम, आज तो हमारे घर पवित्र हो गई, जन आप जैसन पढ़ल लिखल विद्वान के चरण ही जा पड़ल। आई आई अंदर आई। अब आजकल तो लोग हाल समाचार फोने से पूछ लेवेला, अब आप इतना दूर चल के आई नहीं खुदे तो कोना कोनो विशेष काम से ही आई लोग। जी आप एकदम सही सोच ली। वैसे आरती कहाँ अभी है? वो नीलू के साथ बाजार गई है लौटाते हुए। अच्छा अच्छा। अब काकी? हाँ वो बाड़ी कोनो विशेष काम रहेगा। नहीं अगर काकी से मिल लेती तो। हाँ काहे ना बुलाओ थे। जी 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 ये मिठाई कर कोनो जरूरत रहे, अब इतना प्यार से ले आई मैं दी रख लेते बुलाओ थे। बैठी बैठी। खुश रहा बैठे। जी बैठ। दीपक कहत रहन कि कुछ खास काम से आइल हवा। जी खास काम से नहीं बल्कि खास बात करे आइल हई। आप लोग पूजा के सास के बारे में कितना जाने ली? अरे वो तो बहुत नीक महिला बाड़े। जब उनकरा के पता चलल कि हमरा के गांव में घूम घूम के अचार बेचे के पड़ेला तो हमार सगरो अचार खरीदे के तैयार हो गई ली, वो उचित दाम पर। बहुत दयालु महिला बाड़ी। दयालु नहीं बहुत चालू महिला बाड़ी हूँ। जैसे मुर्गे फसावे खातिर दाना डाले के पड़ेला ना, वैसे ही आप लोगों के फसावे खातिर दाना डल्ले भी आओ दाना। का बात करत हो बेटा, हमनी के फसा के उनकरा के का मिली? अरे का बा हमरे पास? हमार बहन आरती काकी जेकरा के ही घर से बेघर करके वो अपन मकसद में कामयाब हो जाई। पूजा के सास हमार परिवार के हर सदस्य के बर्बाद करना चाहती है, उनका जिंदगी खराब करना चाहती है। अरे नहीं बेटा, तोहरा के जरूर कोनो गलत फहमी भइल बा। अरे वो तो बहुत नेक औरत बाड़ा। और का बिना कोनो स्वार्थ के हमने ये कितना मदद करता रही हूँ। सब पता बा हमरा के क्यों का मदद करत रही। काकी पूजा के सास हमारे बाबूजी से अपन पुरान बदला लेवे के खातिर ये सब कुछ अगर चीज बाड़ी। पुरान बदला? हम कुछ समझ ली नहीं। हम सब बतावत हैं ये 10 साल पुरान घटना। जब पूजा के सास अपन परिवार के संगे हमने के बगल वाले गांव मिठौरा में रहत रहली, बदला लेवे के जुनून में एकदम अंधरा गेल पड़ी। का सही बा का गलत बा ओकरा के कुछ नहीं दिखाई देत। हे भगवान
बदला लेवे खातिर केहू इतना गिर सकेला कि अपन बेटा के इस्तेमाल कर से ना चुके। सला साहब आप नीक कह ली कि हमनी के सब कुछ बता दे ली। हमनी के तो उनके संगे सिर्फ आचार के व्यापार करत रहली। अब सावधानी से करब। जीजा जी, इतना कुछ बतौला के बाद भी आप आपन गलती नहीं मानत है। अरे वो औरत आपके झांसा दे रही बिया, आपके बेवकूफ बना रही बिया, और जो आपके दूसर बिया के लालच दे ले बिया ना, वो बिना मतलब के नहीं दे ले होगी। वो जरूर आपके काफी दहेज दिलावे के लालच दे ले होगी और कहले होगी कि या तो आरती के तलाक दे दा या फिर हमेशा खातिर मैं के भिजवा दा। हम आपके खातिर एगो नीक रिश्ता देख ले हैं। लड़की पढ़ल लिखल बिया, सुशील बिया और समझदार भी, बस थोड़ा उम्र उहे 28-30। कोनो बात नहीं है, हम कौन छोट हैं, हम तैयार हैं। अब बस अपने के ई बता दे जाओ कि छोट बहन के ब्याह भी तक करे के बा। दहेज मिली, अच्छा दहेज मिली, जेकरा से आपके बहन के ब्याह आराम से हो जाए। ठीक बात, हम मुहूर्त निकलवाने की तैयारी करते हैं। नहीं, पहले आपके आरती के तलाक देवे के होई। अरे नहीं नहीं, ओकर कोनो जरूरत नहीं पड़ी, हमारा विश्वास करो। नहीं, या तक ओकरा के हमेशा खाती मायके छोड़ाई या फिर तलाक दी, तबे ब्याह होखी। एक बात जान लीजिए जाजी, जौन औरत अपन बेटा के ना भइल, वो आप लोग के कब्बो ना होगी। अपन काम निकल गेला के बाद वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंके आप लोग के। साला साहब, वो हमरा के झांसा जरूर देत रहली, लेकिन हम कोई गोलगप्पा नहीं है कि कोई मुंह में रखी और हजम कर जाइए। हम उनके झांसा में आवे वाला नहीं रहली और अब तक बिल्कुल नहीं, जब इतना सब कुछ पता चल गई। हाँ बेटा, ये तो अच्छा भइल कि समय रहते सब कुछ पता चल गई, पूजा के गृहस्थी बच गई, और प्रभाकर इतना कोशिश ना कहले होत तो कुछ पता ना चलत। हाँ, पर ये कोशिश के चलते प्रभाकर जेल में बा। काहे? पूजा के सास अपन पहुंच के इस्तेमाल करके झूठा इल्जाम लगा के ओकरा के जेल भेजवा देलस। ये बहुत गलत कहली हूँ, हम का समझत रहली और का निकलल पूजा के सास। प्रभाकर छूट तो जाई ना? हाँ जीजा जी, एक दो पीसी में छूट जाई, चिंता की बात नहीं की। अरे चिंता की बात कैसे नहीं की, तू हमारा साला बा। देख लू मई, लिफाफा देख के खत के अंदाजा नहीं लगावल जा सकेला। का मतलब? आदमी के चेहरा देख करके अंदाजा लगावल मुश्किल बा कि वो अंदर से काला बा कि सफेद।